आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद हुआ पूरी तरह कोरोना मुक्त, सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी बधाई, कहा अभी भी सतर्क रहने की है जरूरत, करे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गड्ढा मुक्त सड़क संबंधित बैठक, सभी जर्जर हो चुकी सड़कों को मरम्मत करने के दिए निर्देश, कहा सभी सड़कों को करे गड्ढा मुक्त। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी मीडिया से हुए रूबरू, कहा रेलवे में समूह गा व घा के कर्मचारियों को आगामी त्योहारों पर 78 दिनों का 17,951 रुपए के बोनस का किया जाएगा भुगतान, कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए मंडलीय चिकित्सालय इज्जत नगर में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का किया जाएगा उद्घाटन। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी ने कैंपियरगंज थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, कहा पुलिस चौपाल में कुल आए 9 मामले, संबंधित अधिकारियों को दिए गए निस्तारण के निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक, आईजीआरएस के मामलों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के दिए निर्देश, कहा विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक समय से करे पूरा। साइबर क्राइम से बचाव के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ साइबर जागरूकता कार्यशाला, दी गई साइबर क्राइम से बचाव संबंधित जानकारी। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार के द्वारा शाहपुर थाने पर लगाया गया चौपाल, फरियादियों की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारी को निस्तारण के दिए निर्देश। लखीमपुर कांड के दोषियों को गिरफ्तारी व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने एडीएम सिटी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा हुई रिहा, अपने भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची लखीमपुर। आगामी नवरात्रि दशहरा पर्व के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित टीम ने माड़ा पार कोनी स्थित एक दुकान से पुरानी मिठाइयों को पिघलाकर बनाई जा रही नई मिठाइयों का नमूना लेने के पश्चात किया नष्ट, कुसमही बाजार से रोस्टेड साबूदाना का सैंपल किया एकत्र, भेजा जांच को। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 29 केंद्रों पर 7,214 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,049 और सेकेंड डोज लेने वालों में 4,165 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर डीएम को प्रेषित किया ज्ञापन, पुनः बहाली करने की मांग। गुरुवार से शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि, इस बार मां दुर्गा का पालकी पर होगा आगमन, हाथी पर सवार होकर करेंगे प्रस्थान, महानगर में सजी पूजा सामग्री की दुकान, भक्त कर रहे हैं खरीदारी। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में आयोजित रामलीला मंचन के चौथे दिन निकाली गई श्री राम बारात की भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया राम बारात का स्वागत, की पुष्प वर्षा।